श्री मार्गशीर्ष विवाह पंचमी श्री राम जानकी विवाह महोत्सव अवंतिका में धूमधाम से मनाया गया। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र अवंतिका में है श्री राम जानकी की दाढ़ी मूछ की दुर्लभ प्राचीन प्रतिमा। उज्जैन 23 दिसंबर 17 श्री मार्गशीर्ष विवाह पंचमी श्री कृष्ण पक्ष विवाह पंचमी को भगवान श्री राम माता जानकी के वैवाहिक वर्षगांठ युवा शक्ति सांस्कृतिक समिति द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण पंडित आचार्य पंडित धनीराम शास्त्री के आचार्यवद में पूरे रीति रिवाज मंगलाष्टक से श्री राम एवं माता सीता का विवाह विवाह मंत्रोच्चार के साथ मनाया गया। ऐसा लग रहा था मानो श्री राम का विवाह उत्सव में पूरी अवंतिका नगरी शामिल हो गई। विवाह के पश्चात महाआरती कर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। ज्ञात होगी पिछले 9 साल से युवा शक्ति सांस्कृतिक समिति उज्जैन द्वारा उक्त आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि करीब 2000 साल से भी अधिक की यह प्रतिमा श्री राम जनार्दन मंदिर अंकपात पर विराजित है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब श्री राम वनवास के समय अवंतिका पधारे थे तो इस स्थान पर कुछ देर के लिए रुके थे, जहाँ पर आज उनकी अति प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ की एक विशेष बात यह भी है कि यहाँ पर भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण जी के चरण अगर आप देखेंगे तो चलते हुए दिखाई देंगे एवं माता सीता के चरण सीधे रुके हुए दिखाई देंगे। माता सीता कुछ देर के लिए यहाँ रुकी थी, उसी अनुसार उनके चरण सीधे हैं। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र श्री राम जनार्दन मंदिर अंकपात मार्ग उज्जैन में प्रतिमा है, जहाँ पर श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी को दाढ़ी मूछ है। इस अवसर समिति के अध्यक्ष श्रीमती यशोदा शर्मा, श्रीमती रानी दुबे, श्रीमती सोनल जोशी, श्रीमती उपमा चौहान, अनीता शर्मा, पंडित नितिन शर्मा, पंडित अभिषेक शर्मा, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, पंडित अभिजीत दुबे पत्रकार, पंडित विशाल राजौरिया, पंडित अर्पित दुबे, पूर्व पार्षद रजत मेहता, अजय जोशी, कुंडवाला मनोज शर्मा, अभिनेश तिवारी, दीपक मेहता, शौम शास्त्री, आकाश तिवारी, गौरव धाकड़, अविनाश पाराशर, सीमा व्यास, सचिन शर्मा, शालिनी शर्मा, अनीता शर्मा, प्रीति दीक्षित, आचार्य कविराज के साथ बड़ी संख्या में उज्जैनवासी और सभी राम भक्त उपस्थित रहे। उक्त जानकारी पंडित नितिन शर्मा ने दी।